आप कुछ भी कर लीजिए सेटिंग होगा, मेंस में और इंटरव्यू में तो मेन खेला होगा। जब रिजल्ट में ही धांधली कर दिया आपने तो फिर एग्जाम का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना उस एग्जाम का। नया टीम बनाइए तभी कुछ हो पाएगा। 67वीं बीपीएससी में जिस तरह से कट ऑफ आ गया, इसको लेकर के छात्र जो है जिस तरह से आंदोलन कर रहे थे, अब उनका जो है ओएमआर सीट भी आ गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार है। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से अब तो ओएमआर सीट आ गया, आप लोगों ने कहा है कि धांधली हुई, सीबीआई जांच होनी चाहिए। ओएमआर सीट तो हम अपना देख सकते हैं, लेकिन जो सेटिंग से गया है उसका कैसे देखेंगे, और वो तो पहले रंगा गया है। अच्छा। तो आप देखने से भी क्या फ़ायदा, जिसको सेटिंग से पास किया गया होगा उसका तो ओएमआर सीट रंगा गया है। ये तो होना चाहिए था एग्ज़ाम के तुरंत बाद, या एग्ज़ाम में ही कार्बन कॉपी दिया जाना चाहिए। जब आप आंसर को सही नहीं मान रहे हैं, किताब को नहीं माने, तो अब आप मानेगा कि किसी का सेटिंग से किए हैं। और ओएमआर सीट में भी जो लोग फेल किए हैं एक नंबर दो नंबर से, उनका ये कहना है कि उनका जो है सो जानबूझकर एक गोला रंग दिया गया है। तो इस सब जो दिख रहा है, ये लगता है कि बड़े व्यापक पैमाने पर इसमें धांधली हुई है। तो हम लोग तो मांग कर रहे हैं ना कि सीधा सीधा इसकी सीबीआई जांच करा दीजिए आप, बाकी कुछ नहीं, सीबीआई जांच कराइए। और जितना क्वेश्चन जो 8-9 नंबर 9 क्वेश्चन का जो आंसर आपने गलत दिया है, उसको सही कीजिए, आंसर को सही कीजिए आंसर को, और उसके आधार पर आप रिजल्ट दीजिए। कट ऑफ हर कैटेगरी में कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दीजिए, नहीं तो पूरे एग्जाम को कैंसिल कर दीजिए, आप फिर से एग्जाम लीजिए, आपका है इतना तो। लेकिन ये तो संभव नहीं हो पाएगा। तो जितना आप आंसर गलत दिए हैं उतना आंसर को सुधारिए, उतना कट ऑफ हर कैटेगरी में कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दीजिए आप। आप कह रहे हैं कि फिर से एग्जाम लीजिए, जिस तरह से तो हर बार देखा जाता है कि हर बार जो है आंसर का बदला जाता है क्वेश्चनों का, इस बार भी बदला गया। अगर फिर से एग्जाम लिया जाएगा तो क्या भरोसा है कि 67वीं तो फिर से री ली गई थी, तो क्या उसमें धांधली नहीं होगी क्या? एग्जाम कहा जा रहा था कि एग्जाम जो है इस बार एकदम जो है क्लियर हुआ है, कहीं कोई धांधली नहीं हुई, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आंसर जो है वो मान नहीं रहे हैं। देखिए, जब तक अंदर में जो पेपर लीक में संलिप्त अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी बीपीएससी के ऑफिस रहेंगे, अंदर रहेंगे, तब तक तो आप कुछ भी कर लीजिए सेटिंग होगा। ये तो पीटी का खेल चल रहा है ना, मेंस में और इंटरव्यू में तो मेन खेला होगा, मेंस और इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ के ही तो फाइनल मेरिट बनता है, तो उसमें तो और धांधली होगा। और ये तो अभी सिर्फ पीटी का बात है, तो एग्ज़ाम जो है कितना भी अच्छा से हो गया, रिजल्ट में आपने गड़बड़ी कर दिया तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ उस एग्ज़ाम का। आखिर एग्ज़ाम तो लोग देते हैं इसलिए ना कि रिजल्ट अच्छा आए। जब रिजल्ट में ही धांधली कर दिया आपने तो फिर एग्ज़ाम का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना उस एग्ज़ाम का। तो आप पूरा टीम को बदलिए, जो भी इसमें धांधली सेटिंग में संलिप्त है, जिन पर भी आरोप लग रहे हैं उन सबको हटाइए और एक नया टीम बनाइए, तभी कुछ हो पाएगा। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि अमरिंदर कुमार को हटाया जाए और पूरा टीम को बदला जाए। आपने आयोग को ज्ञापन भी सौंपा उस दिन, तो क्या कुछ बोले कि वो ज्ञापन सौंपने के बाद? देखो, बोले थे कि हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ सूचना नहीं मिल रहा है। हम लोग देखते हैं आज भर, अगर नहीं कुछ आया तो फिर हम लोग अगले सप्ताह महा आंदोलन करेंगे, पटना की सड़कों पर छात्र उतरेंगे। जी जरूर। तो आपने सुना, ये थे छात्र नेता दिलीप कुमार, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि जिस तरह से ये सेटिंग हुई है, धांधली हुई है, इसकी सीबीआई जांच हो। ओएमआर सीट दिया गया है वो तो पर्सनल लोग देख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से धांधली हुई है इसमें, उसका क्या होगा, उसकी जांच होगी तभी तो पता चल पाएगा। लेकिन लगातार जिस तरह से आयोग के द्वारा हर एग्ज़ाम में जब बीपीएससी की एग्ज़ाम होती है तो उसमें आंसर की बदल दिया जाता है, लेकिन इस बार भी बदला गया, जिसके वजह से कट ऑफ जो है हाई चला गया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या आयोग सीबीआई जांच करवाती है, या आप जिस तरह से उन्होंने रिजल्ट जारी किया उसी पे अड़िग रहती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।